हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो गाइस, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जो हमारी बीमारियों की जड़ है वो हमारे पेट से ही स्टार्ट होती है। अगर हमारा पेट सही नहीं है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमारे पेट का सही रहना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब ये पेट की मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है कब्ज़। कब्ज़ में हमारा पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी बॉडी में बीमारियां पनपने लगती है। लोग घंटों घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं फिर भी पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाता। अगर आप भी पेट साफ़ न होने के कारण इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कहान आयुर्वेद की एंजाइमलर स्टमक क्लींजर नाम की ये दवा आपको काफ़ी लाभ दे सकती है। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, महज इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि मार्केट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अपने कब्ज़ की इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। क्योंकि कब्ज़ ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे काफ़ी बड़ी बीमारी को बुलावा देती है, तो इसलिए कब्ज़ का हमारे शरीर से हट जाना बेहद ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सिरप से आपकी कब्ज़ ही नहीं बल्कि कब्ज़ से रिलेटेड जो दूसरी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आने लगी है वो भी ठीक होने लगती है। और कब्ज़ होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला है गलत खान पान, डेली जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, और कोल्ड ड्रिंक्स तो ज़्यादा पीना लेकिन कम पानी पीना, हद से ज़्यादा भोजन करना, इसके अलावा ज़्यादा टेंशन लेना, इन सब कारणों के चलते ये कब्ज़ की समस्या हमारी बॉडी में आने लगती है। अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोग एलोपैथी की दवाओं पर चले जाते हैं, जो अपने इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, जो झट से हमारी बॉडी की कब्ज़ ठीक हो जाए, तो उसके लिए वो एलोपैथी की दवा पर जाते हैं। जो ये एलोपैथी की दवा है ये आयुर्वेद से बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि जो एलोपैथी की दवा होती है ये हमें इंस्टेंट रिजल्ट देती है, लेकिन आयुर्वेदिक जो भी दवा होगी वो हमें धीरे धीरे उस बीमारी को काटेगी। किसी महान व्यक्ति ने ये कहा है कि जो एलोपैथिक दवा है ये हमारे दर्द को ख़त्म करती है, लेकिन जो आयुर्वेदिक जो दवा है ये हमारे रोग को ख़त्म करती है। तो इसलिए जो भी लोग एलोपैथी की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा केमिकल और रसायनों से बनी होती है जो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस होती है। और कभी भी खुद से इंटरनेट पर देखकर किसी भी एलोपैथी की दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है, कोई भी रिएक्शन आपको कर सकती है। तो इसलिए एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, तभी किसी चीज़ का इस्तेमाल करें। और ये सिरप कब्ज़ की देसी दवा है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी देसी दवाओं का इस्तेमाल किया गया है, जो देसी जड़ी बूटी है उनका इस्तेमाल किया गया है। इसमें किसी भी तरह किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट देने के तो कोई चांसेस इसके पैदा नहीं होते, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ देसी दवाइयों का इस्तेमाल किया गया। जब आप इस सिरप का इस्तेमाल करोगे तो आपको इससे कौन कौन से फ़ायदे होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। इसके कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि ये पेट की सूजन और गैस को आराम देती है, कब्ज़ को दूर करती है, जो इसका मेन मोटो है वो है कब्ज़ को दूर करना। इसके साथ ही इसको यूज़ करने से टॉयलेट में ज़्यादा देर तक आपको रहना नहीं पड़ेगा, पेट की इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करती है, और ये पेट में इकट्ठे विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। सिरप को बनाने में 20 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें है सबसे पहला पुदीना, चीनी, सौंफ, नौसादार, आंवला, तेजपत्ता, अजवाइन, दालचीनी, लौंग, चित्रकमूल और काला नमक जैसी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। अगर इसके यूज़ की बात की जाए तो खाना खाने के आध घंटे बाद आपको सुबह शाम एक एक ढक्कन गुनगुने पानी के साथ इसको इंटेक करना है, तब ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस सिरप्स के इस्तेमाल से आपकी कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी। अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो जैसा कि मैंने पहले बताया ये देसी दवाइयों से बनाई गई एक जड़ी बूटी का मिश्रण है, जो आपकी कब्ज़ की समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि यदि आप कोई भी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या यदि आपको पहले से ही कोई बीमारी, डॉक्टर ने आपको बहुत सारी मेडिसिन दे रखी है, तब इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, तभी इस चीज़ का इस्तेमाल करें। तो मैं आशा करता हूँ कि कब्ज़ से रिलेटेड और कब्ज़ की मेडिसिन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके उस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने माता पिताओं को दिखाएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर मुझे पूछ सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।